लेकिन फॉल जीतने का प्लेस होती है, जोन होती है, उस जन को आपको खंगालना होगा, जानना होगा, नहीं जानेंगे फॉल जीतेंगे कोई फायदा नहीं बनेगा। मेडिसिन की जरूरत नहीं। चलिए तारी को गड़गड़ा का स्वागत करेंगे दोनों टीम का। आज का फाइनल ये सेमीफाइनल टीम होगा, पहला सेमीफाइनल टीम देखना होगा यहाँ पे। इस पहला सेमीफाइनल टीम में कौन सा टीम अपने आप को ग्रैंड फाइनाले के लिए तैयार करते हैं। तैयारी अच्छी होगी, प्रिपरेशन अच्छा होगा दोनों ही टीम का, अच्छा तालमेल के साथ खेलेगी। सपना बड़ा होगा, उम्मीद बड़ी है, और सपना और उम्मीद के प्रति किस तरह से अपना खेल को दिखा पाएंगे, परफॉर्मेंस को दिखा पाएंगे। चलिए हाथ उठाकर हैंडशेक करके फिर से दोनों ही टीम को आप जीत के अग्रिम बधाई देना चाहेंगे। एक तरफ स्मॉल क्लब ओडिशा और दूसरी दफा होगी मजबूती एमएमसी शंकरपुर। हालांकि दोनों ही टीम बहुत बेहतरीन टीम है और ये मैच बहुत मजा आएगा। ये करो या मरो की तरह मैच होगा, क्योंकि ग्रैंड फिनाले चैंपियन टीम, चैंपियन बनने का सपना तो दोनों टीम के पास है, लेकिन इस दरिया को पार करना होगा। और ये ऐसा छोटा दरिया नहीं है, ये आग का दरिया है, और इस आग का दरिया को पार करना भी उतना आसान नहीं है दोनों टीम के लिए। लेकिन इस आग का दरिया को दोनों ही टीम किस तरह से पार करने का सोचिए, क्या रणनीति को लेकर आई है, क्या किस तरह से जलवा को दिखाएंगे, कितना स्किल का इस्तेमाल करेंगे, कितना टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा जादू का अपनाएंगे दोनों ही टीम इस आपके दरिया को पार करने के लिए। ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग एफर्ट होगी दोनों ही टीम के लिए। एक तरफ एमएमसी शंकरपुर तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए बिल्कुल पेरोट एंड रेड कॉम्बिनेशन के पोशाक पर ये टीम है स्मॉल क्लब। वही चंद्र मुर्मू जैसे बेहतरीन खिलाड़ी अपोनेंट टीम में, इनका भी लॉन्ग टर्म अनुभव है फुटबॉल के प्रति। अंशु मुंडा लंबे तक काटे के गोल की पट्टी पर मौजूद हो चुके हैं टीम में। अभिन अभय मुंडा मौजूद है टीम में, विनय किशन टीम में मौजूद है। तो चलिए परिचय से बात करें, जो भी दर्शक अभी भी आए हैं, ये जो मुकाबला आप सभी देखेंगे मैदान पर रहेगी। देखने वाले बात हो गए यहाँ पर सभी दर्शक, कितना ज्यादा यहाँ पर डाउन हो। चलिए बजे की सिटी, चलिए बजे की सिटी, उड़ेगा बॉल लेट फुटबॉल के साथ इस मैच को टिकट करता हूं मैं। छपरी अमृत दंग मुख्य मैच छपरी ये जमशेदपुर एरिया से बिलोंग करते हैं। वही हम बात करेंगे ए आर टू में सोहनलाल हासदा उपकरण, क्या हिंदू करण के नाम से पुकारा जाता है। जमशेदपुर स्पोर्ट एसोसिएशन चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, हर बड़े बड़े टूर्नामेंट में एक अमिट पहचान को बनाया है बतौर निदायक। ए आर वन में जुझार सोरेन टीम में रेफरी पैनल में मौजूद है। ए आर वन में मैं तारीफ करना चाहूंगा पूरी रेफरी पैनल का। और ये जो मुकाबला है ये बहुत बड़ी मुकाबला है। अक्सर कहा जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना, अक्सर कहा जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है उधर कितना बाजू में कातिल में। हम अभी से तुझे क्या दिखाए आत्मा, क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दे हम तुझे बता देंगे क्या हमारे दिल और दिमाग में है। तो ये वक्त वक्त की बात है, वक्त की मांग कर रही है दोनों टीम स्मॉल क्लब ओडिशा और एमएमसी शंकरपुर। यहां पर बात करें सभी के सभी स्टार खिलाड़ी कांद्रा गबरी एरिया के सभी के सभी स्टार खिलाड़ी यहां से मौका बनेगी। फिर क्या पहली घटना पर
मौका पा सकती है बेटी का इस्तेमाल किया शानदार मुर्मू और ये है प्रसाद। ये राजनगर एरिया का सबसे खूबसूरत प्रोडक्ट माना जाता है प्रसाद मुर्मू। जितनी भी तारीफ की जाए प्रसाद मुर्मू उतना शायद तारीफ का और पुल भी बांध दिया जाए तो मुझे लगता है हमारा पुल भी छोटा पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे एमएमसी शंकरपुर बबलू मुर्मू टीम के चमचमाते स्टार गोलकीपर टीम नजर आ रहे हैं। टीम में जुड़ चुका है प्रसाद मुर्मू सेंटर में कृष्ण पर लाइव फिल्म में साइबर हेमर मिड जोन के बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है सीनियर सिटीजन इस टीम का सीनियर खिलाड़ी। वही बात करेंगे चंद्रमोहन हाँ का जैसे नंबर 15 पर नजर आएंगे मिड जोन के एक अच्छा प्लेमेकर भी है और एक अच्छे गेम चेंजर भी है चंद्रमोहन। छोटू हाँ का टीम के कप्तान जैसे नंबर 10 पर नजर आएंगे। भूदेश टूडू जैसे नंबर 11 पर नजर आएंगे जो की कांटा एरिया के खिलाड़ी है। मनवासी डहर गिरी मेरा का सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। टीम में दिनेश हेमरम जैसे नंबर 9 पर नजर आएंगे ये स्ट्राइकर के रूप में नजर आ रहे हैं दिनेश हेमरम। और टीम में गुरुचरण सरदार ये आदिवासी एवेन अकड़ा हरिहरपुर का सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है गुरुचरण सरदार। तो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो कांटा गमर एरिया के सभी के सभी स्टार खिलाड़ी मन्नी मरसाल यानी कि एमएमसी शंकरपुर की टीम में नजर आ रही है जो उत्तरी दिशा में दामा पाती है। चलिए बात करेंगे इस्माइल क्लब ओडिशा ना कि टीम का कुछ नाता होगा ओडिशा के साथ लेकिन खिलाड़ी की अगर बात की जाए सभी के सभी अगर देखा जाए तो आज ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर के नजर आ रहे हैं। अंशु मुंडा टीम के चमचमाते गोलकीपर लंबे तक काटेंगे। वही बात करेंगे फिरोज खान टीम के कप्तान जैसे नंबर 2 पर अजय मुंडा जैसे नंबर 12 पर नजर आएंगे। वही बात करेंगे साजन चंद्र मुर्मू जैसे नंबर 10 पर नजर आएंगे और साथ ही साथ अभय मुंडा जैसे नंबर 11 पर और ओम जैसे नंबर 14 पर नजर आएंगे और बिन्नी किसान हाँ तो भाई इनका एक नाम उपनाम के रूप में आज एक किलियन अम्बापे की तरह आज इस टूर्नामेंट में दहाड़ लगाया है आज बिन्नी किसान जिनको आप जैसे नंबर 5 को देख रहे हैं। पूरा मैदान ऐसा लग रहा है कि मानो इसी बिन्नी किसान का है ठीक इसी अंदाज में आज का इस टूर्नामेंट को खेला अभी तक। और इस तरह टीम की अगर बात की जाए बिन्नी किसान एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है। चलिए मैच रेफरी यहां पर इंडिकेट करता हुआ सोनलाल गेंद पूरी तरह से क्रॉस हो चुका था और यहां पर थ्रोइंग का मौका मिलेगा। लो 15 के अप्लाई करेंगे बिन्नी किसान काफी ऐसा बार बहुत ही गति बुरा खिलाड़ी यहां से मौका बनेगी इसी बीच क्रॉस करने का कोशिश किया गया था बिन्नी किसान थोड़ा सा देखा तो होता हुआ अनबैलेंसिंग हुआ बूट थोड़ी सी स्किप कर गया अन्यथा बिन्नी किसान शुरुआती दौर में एक झटका दे सकता था। मानो ऐसा लग रहा है कि घर बसा ही नहीं रुझाने वाले चले आ गए तो इस तरह का मोमेंट को क्रिएट करने का कोशिश कर रहा था आज इस्माइल क्लब बिन्नी किसान। तो ज्यादा से देखा जाए तो यहाँ पर कमल जी मैं आपको इस चलती मैच के दरमियान मैं आपको जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मैच ये बड़ा भी है कड़ा भी है मजेदार भी है मसालेदार भी है। ये मैच करो या मरो का मैच है क्योंकि यहाँ से जो टीम जीत हासिल करेगी वो सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और कल ग्रुप डी के फाइनल के साथ उनका ग्रैंड फाइनल होगा और ग्रैंड फाइनल में ग्रैंड मैच टीम होगी। चलिए ये है चंद्र अभी भी मौका है चंद्र के पास क्लाटोबर्ग स्किल के खिलाड़ी स्टील के बादशाह माना जाता है छोटी छोटी स्किल छोटी छोटी ड्रिबलिंग के लिए जाना जाता है चंद्र मुर्मू। तो चलिए मैं सवाल पे आता हूँ कमल जी हम बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा इस मैच में इस मैच में देखा जाए तो दोनों ही टीमें एक से बढ़कर सितारा है। जहां तक बात करें एमएमसी शंकरपुर मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी संबंधित की गहराई से एक एक मोती को चुन चुन कर लाया है। इस्माइल क्लब ओडिशा की बात करें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी कोयले की खान से एक एक हीरे को चुन चुन कर लाया है टीम के टीम मैनेजर ने। तो क्या आपको लगता है इस मैच में क्या मैदानी को मिल सकता है मिल सकता है या नहीं ये बहुत बड़ी सवाल यहाँ पर कमल जी बिल्कुल चलिए आज हमें खेद है क्योंकि कोटले समर नहीं चल रहा है इसलिए जुगलबंदी नहीं हो पा रही है क्योंकि इतना अच्छा मैच में जुगलबंदी अगर होती तो जोश दोगुना हो जाता तो हर चीज को पूरी तरह से हम काफी करीब से जानने का आपको मौका मिलता लेकिन आज हमें खेद है अच्छा संकेत नहीं है पूरी तरह से पीछे से पुश करने का प्रयास किया गया टीम के कप्तान को अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है
मैदान थोड़ी सी हार्ड जरूर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये आपका दोस्ताना मैच है, दोस्ताना मैच है, फ्रेंडली मैच है, दोस्ताना मैच को दोस्ताना मैच की तरह खेले। यहां पूछकर किसी भी टीम के खिलाड़ी को आप जोखिम ना करें, ज्यादा से ज्यादा आप अगर उन्हें पहुंचा नहीं पा रहे कवरिंग करने का भी तरीका होती है, रूल के मुताबिक उनको कवरिंग करने की जरूरत है। और नतीजे यहाँ पर कौशन मिला है, ये कौशन आपको काफी ज्यादा दुविधा में डाल सकती है, इसलिए एक कौशन भी आप ना ले, पूरी तरह से नीट एंड क्लीन मैच को खेलेंगे तो आपका बेहतर खिलाड़ी माना जाएगा। सारा चीज यहाँ पर नोट आउट हो रही है कि कौन सा खिलाड़ी को येलो कार्ड मिल रही है, कौन सा खिलाड़ी को कौशन मिल रही है। आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप बेहतर खेलते चले। चलिए ये है चंद्र मोहन हाफदा स्पेशलिस्ट अफ्री की फाउल डिस्कडा रिसीविच एक एक इंच का फायदा लेता हुआ अंशु मुंडा जैसा और हर एक एक मौके को डिस्पोजल करता हुआ अंशु मुंडा। चलिए गेंद के साथ अभी भी मौका बन सकता है यहाँ पर, देखना होगा आज स्मॉल क्लब और हिस्सा मिड जोन में गेंद को रखने की कोशिश किया गया। पहले मैदान में ऐसा लग रहा है आतिशबाजी की जाती है, उसी तरह से आतिशबाजी किया जा रहा है। अच्छा था साथी अंशु मुंडा का जबरदस्त एफर्ट और नतीजे इसकी कोई बताने में सफल होता हुआ अंशु मुंडा। चलिए आज नतीजे अंशु मुंडा का, शुरुआती दौर में उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया था अंशु मुंडा ने, लेकिन ये मैच अंशु मुंडा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लगातार बैक टू बैक दो किकों को बचाया अंशु मुंडा ने, फिलहाल अटैकिंग मूवमेंट फिर से बचा चंद्र मोहन। चलिए यहां पर कोई खतरा नहीं बनेगा इस बार, अंशु मुंडा भगवान से करेगा थैंक्स लॉर्ड आपने मुझे इस बार को बचा लिया है, अन्यथा इस बार भी दिक्कत हो सकता है। मैं पहले कह चुका हूँ ये कैसे खिलाड़ी है, इनको मौका देना यानी किसी मुजरिम का हाथ में बंदूक थमा देने के बराबर होगी, आप कहीं से भी आप सेफ नहीं रहेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें बुद्ध से टूडू तो आप अगर अंडर मार्किंग रखेंगे तो आपके लिए बेहतर है। चलिए यहाँ पर फिर से और हिस्सा, मैं पहले कह चुका दोनों दंगा टीम है, दोनों ही दंगा टीम है, दोनों ही शेर टीम है, बब्बर शेर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है दो बब्बर शेर को किसी घने जंगल में छोड़ दिया गया है। और मौका बनेगी प्रसाद, बहुत बड़ी गलती कर बैठा यहाँ पर, क्या यहाँ पे दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर लगभग लगभग सब कुछ तय था आवेल मुझे मां, लेकिन आज एक अच्छा खासा मौका फिलहाल गवा चुका है आजा भाई मुंडा, बहुत बेहतरीन मौका, लेकिन उस मौका का हमारे पास सफल रहा यहाँ पर अभय मुंडा, आजा भाई मुंडा को मिला। क्या ये चूक आगे जाकर अगर टीम हार जाती है तो सबसे बड़ा कारण था चरा जा सकता है यहाँ पर कमल जी। जी बिल्कुल, यहाँ पर अच्छी अच्छी मौका मिला था अभय मुंडा को, आर इस तरह का गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी घोल चुके हैं आर पर देखने के लिए बात हुई है। अगर बच्चे हुई समय में जो स्टेज पर जुनून के साथ पूरी जिम्मेदारी का साथ करते दर्शाएंगे तो निश्चित रूप से शायद मेरे ख्याल से एक गोल को देखने के लिए मिलेंगे। फिर से यहाँ पर देखते जोर की तरफ मन रहा अभी भी है 14 नंबर पर करीब अच्छी जगह पर गेट वाले फिर से चौथे नंबर जैसे तैयारी की करने लगे और यहाँ पर रफ्तार के साथ इस बार अच्छी जगह पर पहुंच वाले हाँ शूटिंग भी लगाए हैं लेकिन दो की धीरे पे इस बार गेट को रुकाना है। आज धीरे धीरे बॉल को बचाने में कामयाब होता हुआ दीपक चिदम के खिलाफ स्थान पर टीम की ओर से फिर से अभय मुंडा आज यहाँ पर गले तरीके से साथ रोकने का प्रयास किए हैं, क्षमा चाहेंगे पांच लाइन से भाग जा चुकी है, खेल का पूरा पूरा मोमेंट बना चुकी है। धीरे धीरे बचाने में कामयाब होते हुए डिफेंडर शुद्ध जगह पर इस बार गेंद को रिलीज किए हैं शुद्ध तालमेल के साथ इस बार दांत से आक्रमण करने की कोशिश करता है शंकरपुर फिर से यहाँ पर मौके की तलाश, मौका हो सकता है पर जरूर नजदीकी मामलों में मेरे ख्याल से जरूर हमला हो सकता है। आर इसके बीच क्लीन हैंडबॉल हो चुकी है, लंबे मिशेल के माध्यम से हैंडबॉल दे चुके धीरे धीरे फिर अगर नंबर जर्सी धारी मौके की तलाश हुई फिर दाएं छूट से इस बार हल्का सा इंतजार भी किए हैं आर तेसर नंबर जर्सी धारी की टीम को धकल दी है। आई इस बार अभय मुंडा आजकल इनके बड़े टूर्नामेंट में अभय मुंडा दर्शकों का दिल में छा चुके हैं, इसलिए मैं कहना चाहेंगे कि गांव हो या शहर मगर विश्व के हर जगह में हर गली हर स्टेट में फुटबॉल का ही लहर है, लेकिन आज का इस बल्लेबाज टूर्नामेंट में
कौन रोशन करेगा अपना नाम, कौन रखेगा मान सम्मान और कौन जीतेगा डोटी विश्व फुटबॉल टूर्नामेंट का ये पहला इनाम, ये देखने वाली बात होगी। और सभी ऑडियंस को बिल्कुल ये सोचने वाली बात होगी। बिल्कुल अपने सही फरमाया यहाँ पर बकरी में तो देखा जाए, ये कहावत मुझे याद आ रहा है, अक्सर कहा जाता है कि रख हौसला के ऊपर मंजर भी आएगा, अक्सर कहा जाता है कि रख हौसला के ऊपर मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी चलकर आएगा, रख हौसला के ऊपर मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी चलकर आएगा, थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो कहीं ना कहीं आज दोनों टीम की अगर 12 वर्ष अगर बात करें, चाहे एमएफ शंकरपुर की बात करें या फिर ओडिशा की टीम की अगर बात करें, दोनों ही टीम को किसी तराजू में तोला जाता कांटे बिल्कुल 90 डिग्री पर नजर आएगी, ये बात तो तय है। चाहे बात करें एमएफसी की शंकरपुर की या बात करें स्माइल क्लब ओडिशा संबलपुर की, ज्यादा ज्यादा देखा जाए तो ओडिशा की टीम में यंग खिलाड़ियों को समावेश हमें ज्यादा ज्यादा दिखाई दे रहा, यंग खिलाड़ी जिनको फीफा के अनुसार यहां से मौका मिलेगी। बहुत बड़ी गलती यहां पर टीम के कप्तान छोटू यहां पर, इसलिए मैच जितना बड़ी बात नहीं है, मैच में आपका जितना पकड़ है बार इसी बीच बिन्नी के साथ सबसे खूबसूरत मौका और इस बार भी मौका दे चुकी है। चलिए यहां पर सबसे रन देने वाली मैच, इस मैच में 2 मौका ओडिशा को मिला, 1 मौका एमएफसी शंकर को मिला, शंकरपुर भी 0-0 पर और ओडिशा की टीम 0-0 के मुकाबले पर। क्या होगा इस मैच का तकदीर तस्वीर बना सिंह नौका के मेरे अपने मने मने थे गोल हो बन गोलार गोल हो बन जमा जस्ती रगिन बुझाओ काकर कलाब रे होटल चा सबको गुलगुले जमा ओ तरह गोल दो बन जमा तो इसको बोल नौका के मेरे पलन आज हर सर के दिन ले ये बात आज टीम ने कोसो बड़े बड़े को ये राशि पर है नौका जीते दो की सब पर ना कोई सुजुग बेकार तो रे का हर सर सर हरि का जतन के ना पाई नहीं कहा उनका साथ पूरी पूरी होती जीते रहे और दिन में किसान ना भाई खेल और दो सुजुग रहे हो बनकर ने उनका गोल्डन सुजुग पूरी पूरी आड़ दे रखा है आरो सुजुग तैयार है कनोडे ना पाए देख बोल के रिलीज ले खेल बड़े बंद होता है बॉल रिलीज कर आठ नंबर खेलोड़े ईश्वर शर्त कारण चले लेकिन पड़ा गिरे ना पाए देख बोल की कनोडे देख पास सुजुग तैयार हुई है कनोडे अनारा जब दीपक से यहाँ दीपक से यहाँ से निकले लेकिन किंतु रोबोट शर्त ऐसे बाहर करना तब सारी के रेस के आड़ी के राउंड रेस करते तो नाशिर अहम अलबन कम थोड़ी को सलाम किन दिल्ली दिल्ली का बाहर करना डे सात हुई है करना डे ना पाए देख बोल की रिलीज ले था मैं तो उन्हें नफ़ा किंतु बंद कर दिया था लामी बोल कल सारी कथा जैसे जैसे जी तो कथा बोल पड़ा थे आए थे संबलपुर बिल्ली किसन जितनी भी तारीफ की जाए उतना उतनी कम पड़ जाएगा बिल्ली किसन का। जीत रहे थे दिवाली में पटाखों का आतिश बच जलता ठीक उसी अंदाज में विनय किसन का कलाबाजी हमें देखने को मिल रहा है इस मैदान पर। लेकिन इस मैच का रेशियो अगर देखा जाए तो पूरी तरह से 50-50 पोजीशन पर नजर आ रही है दोनों ही टीम में किसी को 19 या 20 आप नहीं कह सकते, 19-19 कहना होगा, 20-20 कहना होगा। फिलहाल 2 से 3 मौका गंवा चुका है स्मॉल क्लब ओडिशा की टीम ने और एमएमसी शंकरपुर ने वर्तमान में 1 मौका तो गंवा चुकी है और बना टीम नहीं थे गोल गपल बाकी लड़ेगा नपाय नपाय ताक बिना रखे चेष्टा है चांस बराबरी छूटो बिना कद किना उद्गार का गंबा गुड़ जरूर करा वेनखान नहीं थे दोनों गोल स्कोर बंकटों का लेकर आड़ी दुखरे का था सोचे कथा तो मेन गनो स्माइल क्लब ओडिशा संबलपुर आरएमएमसी शंकरपुर मोचारिया जिनके रे जचो का उनका ताक की जमले का है ना नो फास्ट ऑफ खिलाड़ रे बट का नहीं तो अब तो मेरा आदि का मत बेटा जस्ट उनका हरो भरो देखो कथा के बदवा ना ना पा तालबल बनाओ तो पे ना पा चल के तू सोदरा मेन टू मेन वॉल पासिंग साथ एक्यूरेसी पास जस्ट भी जस्ट बॉल अटैकिंग जोन रेडी रहा लगते बेटा दिनेश में बॉल दिनेश निजे जटा लगी तो बॉल बुदेश्वर छोटू हांसा टीम कप्तान निजे जटा लगी तो बॉल चंद्रमोहन हांसा से बॉल आड़ी के डब्बा चंद्रमोहन जेल से डब्बा खिलौन से डब्बा किचू का डॉक्टर की डाटा होया नोडे दीपक वर्मा दीपक छत बॉल दीपक निजे जटा छोटू लगी तो टीम कप्तान का नाकी छोटू जस्टिक जस्टिक ताबुल बनाने का चेष्टा नोडे बेटे ताकू जाना दे गोल एरिया आसपास और सुपर सेंटर की चेष्टा है इतना एमएमसी शंकरपुर ताल बल बनाओ करते और नतीजा यहां पर बनाओ का नौ बिरसा मेमोरियल क्लब जुक्त ने जेतुम थे बेटे नपा उपरों के बनाओ का चाहे फुटबॉल रिया उपरों मोई या रसिया तुलका
तो भालो खेलो हो बेखना समय गोलो दाखते होगा तो की बोलते चाला लोगा निश्चय आज के एकांत के जो दे टीम क्वालिफाई कोच है तो 1,20,000-80,000 काठा काठे टीम के लिए आएंगे 80,000-1,00,000 उन्हें बिठाल तक है एक तर नर्वल साधारण ने एक तर राजा करे बिहार पर रहने में तेरी आज के तगाजी 1,20,000-80,000 मोदी टीम दाना কিন্তু বোলার করা অনেক অন্তর আছে কি দেখা যাবে এখানে দুই টিম একদিকে আছেন সম্বলপুর হরিষা আর একদিকে আছেন অভয়দলের টিম কিন্তু কথা বলা যায় আজকে এমএমসি শঙ্করপুর কেউ আর এখন পর্যন্ত হার মানে সুন্দরভাবে খেলা চলছে মাঠের মধ্যে স্কোর সিট একদম একুলাদের পজিশনে কেউ আর কাউকে স্কোর করতে পারেনি কিন্তু যেভাবে এখানে চেষ্টা করছেন বারবার গোল মোমেন্টটা বানাবার জন্য সুন্দর চেষ্টা সুন্দর সুযোগ পাওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু সুযোগ অনেক তৈরি হয়েছিল ফার্স্ট হাফে খেলাই কিন্তু একটা ফিনিশিং গোল করতে পারলেন না চন্দ্র মুর্মু আবার সুযোগ আরে আয় সুনীল নিজের পার্টনার জন্য বল এখান থেকে সুযোগ হতে পারে ওয়াহ কমাল কা বাচ্চা ये होती है खेल और इसी का नाम है आज चलिए आप लोग जितने भी दर्शक आए हुए हैं ये पैसा वसूल मैच है जितने भी दर्शक आए हुए ये पैसा वसूल मैच है चलिए आपने सहयोग राशि दिया ये आपका वसूल भी हो चुका है इतना जबरदस्त मैच इतना जबरदस्त एफर्ट और इतना जबरदस्त बचाव हवा में लहराते हुए गेंद को हवा में लहराते हुए गेंद को बचाना उतना आसान नहीं होता लेकिन आज मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर जितने भी तारीफ करें बबलू मुर्मू का एमएमसी शंकरपुर एन अपोनेंट टीम स्मॉल क्लब ओडिशा लेवलिंग पोजीशन 0-0 एन अपोनेंट टीम एमएमसी शंकरपुर 0 लेवलिंग पोजीशन ऑल फैंटास्टिक ऑडियंस लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक्स फॉर योर सपोर्ट ऑफ द टूर्नामेंट एंड नाउ प्लेइंग मैच फर्स्ट सेमीफाइनल मैच मोहन आगे को बिना मोचारिया जिले रे जचवा करना होना अलग तो बाम सहाय दारे क्या नंका ताक नियम करते आदमका ताक जिधे पूछू जा और ताक पूछू करते दस मोताल का भाव कुछ बोलें का दो कर आदमा दारे तो बांग रुकूना वो कार भूल हुई करना करे मिस्टेक हुई करना जैसे कि जैसे इम्प्रूवमेंट रह रखती करना चलो जहां तक बात करें यहां पर है कमल जी मैच तो बहुत मजा आ रही है एमएमसी शंकरपुर इस्माइल क्लब ओडिशा ज्यादा से देखा जाए तो इस्माइल क्लब ओडिशा की टीम में कई सारे युवा क्रिकेट टीम नजर आ रहे हैं फीफा के अनुसार 21 वर्ष के उम्र के खिलाड़ी को यंग प्लेयर का अवार्ड दिया जाता है जहां तक बात करें सिडनी के सर ये बहुत ही कम उम्र के खिलाड़ी है
उनका ताकत तकनीक साथ ही साथ स्टेमिना स्किल खेलने का टेम्परमेंट बहुत ही कमाल का है, लेकिन कमाल के साथ साथ धमाल भी मचा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी खाता नहीं भी स्कोर अभी तक गर्व नहीं हुआ, ये है भिन्न किस्म। फिर से एक बार छोटू, छोटू से गेंद चिटकी, किन्नी से गेंद चिटकी और गेंद के साथ फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ यहाँ पर और हिस्सा चलिए गेंद के साथ आगे बढ़ता हुआ जहां तक बात करें संजीव, संजीव के लिए मौका हो सकता है अभी भी। फिर से एक बार मौके सीधे काफी दूर से यहां से मौका बनेगी, क्या होगा इस मैच का तकदीर और तस्वीर, सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो आज दर्शक है। टीम को इतना मौका मिल रही है लेकिन इस मौके का फायदा नहीं ले पा रही है, खुद किस्मत का है या बदकिस्मत का है यहाँ पर क्या कहे क्या ना कहे, मैं समझ से परे हो चुका है। मैं शंकरपुर स्मॉल क्लब ओडिशा टीम सबसे ज्यादा यहाँ पर दर्शक एक्साइटेड दिख रहा है, दर्शक परेशान है। अच्छे गोलकीपर हुआ करते थे कभी, हम भी तो अपने जमाने में एक अच्छे गोलकीपर हुआ करते थे, कम वक्त मुझे इसने बर्बाद कर दिया और से मुझे एक अच्छा कमेंटेटर बना दिया। सिंगल मैन की जगह मैं होता तो मुझे लगता है कि आज दुनिया को पूरी तरह से मैं ये बताता कि हम एक बहुत ही कमाल का गोलकीपर है, लेकिन आज हम इतना असर नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि आज हमें किस्मत में दगा दे बैठा और इसने हमें बर्बाद कर दिया और एक अच्छे गोलकीपर के बजाय एक अच्छा कमेंटेटर बना दिया। यहाँ पर कमल जी क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर इस मैच के दरमियान में? बिल्कुल फिर से पर अच्छी प्रयास था एमएमसी शंकरपुर टीम की ओर से, लगातार प्रयास करते आ रहे हैं लेकिन अब तक के लिए गोल जाल तक स्पर्श नहीं कर पाए। दोनों ही टीमों में अगर देखा जाए शुरुआती क्षण में एक अटैकिंग खेल को खेलते हुए नजर आ रहे लेकिन अब तक सुनो सुनती है क्या होगा परिणाम खेल कर फिर से धीरे धीरे प्रदेश के आज तो दस नंबर से कब्जे गेंद डाला उड़ीसा टीम के कब्जे में मिडिल जोन एरिया में। इस बार यहाँ पर पांच ओवर से आक्रमण करने की कोशिश करते हैं बनाते किस महान खिलाड़ी हल्के से समय लेते हुए बॉल को रिसीविंग करने के अंदर जैसी थारी आज अच्छी जगह पर फिर से गेंद को डाला लेकिन सुंदर तरीके से डिफेंडर ने कब्जे में लेने का प्रयास करता हुआ बंद विमर्श कर संकट की टीम की ओर से आ रही फिर से पानी नंबर के करीब अच्छी तालमेल रखे इस बार शंकरपुर फुटबॉल टीम नापाज अगर बॉल की रिलीज का चौथा नंबर लगता है डिसीजन तैयार करने चौथा नंबर पर लड़ी उसी साइड नापाज कोई कोई तरह से निकले उसी को बुरी जवाब करना सुजोग तो वास्तव में लगा रखते हैं नापाज टीम लेकिन बॉल की डाला हुआ है मैं कम से कम सारी पूरी पूरी बॉल को अच्छी तरह कब्जे रहे हैं जना बॉल नापाज डाला बहुत समय तक बॉल लेकिन सुपक करा पका है अब तक लंबा चिक की डाला हुआ है तलाकानी रे बॉल से डरे करो सुजोग तैयार करो चौथा नंबर खिलाड़ी है पूरा पूरी धूल को सलाम के उल्टे दिल लड़ी के लिए जा बहा गया तभी ने तो तभी ते फुल को बोला को सुखे बांग हुई है करना बटकन कोल देना पूरे तो लॉस में मेरा आगा किना धाना लटू तो नोत्रे के था आवा बड़े थे तीन नंबर बोल से लेके तो बोल की रही जगह स्माइल के लाग सब पर रही से आज बटन होकर मैं भी बसल शंकर दुख बोलते बानार गए जीरो जीरो पोस्टर में मेरा आगा किना मुकाबले में दिनेश नाम के स्टार खिलाड़ी बन चुके हैं। दिनेश हेम्ब्रम ने जामिनी गोल करने का मौका यहां पर बड़ा बना चुके हैं दो नंबर जैसी धारी ने आज बचे हुए समय में देखने में बात होगी अगर जोश जज्बा जुनून के साथ अगर अभी भी कोशिश जारी रखेंगे नहीं तो निश्चित रूप से मेरे चल से बढ़ कर पाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
चलिए आपको पेंडिंग करेंगे ध्यान देंगे। मैच प्लेऑन पर है, आपको पेंडिंग करेंगे प्लेऑन पर है ध्यान देंगे। एक अच्छे खिलाड़ी आप ज्यादा ज्यादा ध्यान देंगे। गांधी एक अच्छे खिलाड़ी है, गांधी की बात करें या फिर यहाँ तक बात करें आज सवाल क्लब की अगर बात की जाए यहाँ पर ज्यादा जगह देखा जाए तो ओम एक अच्छे खिलाड़ी है। ओम के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर अजय मुंडा ये भी कमाल का खिलाड़ी है, लेकिन आज की तारीख में एक बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी बन चुका है अजय। लेकिन देखने वाली बात हो कि यहाँ पर सब ही है, मैच प्लेऑन पर है। चलिए यहाँ पर मैच को फिर से 1-0 की लीड कर चुका है एमएमसी शंकरपुर। दिनेश हेमरम जमीन गोल दागने का रिकॉर्ड का नाम क्या है फिर से एक बार अपने कलाकारी खेल दिखाने के क्रम में देखना होगा। यहाँ पर गेंद दूर से लिया गया, किक सीधे बबलू मुर्मू के दस्ताने पर गेंद चली जाएगी। तो कहा जाता है कि मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, कहा जाता है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कैसे बना घोसला, चिड़िया से पूछा कैसे बना घोसला, चिड़िया ने बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आज अगर तिनका तिनका अगर बात करें तिनका तिनका आपको दुनिया के कोने कोने से घूम के लाना होगा, तभी जाके चिड़िया के तरह घोसला का बना पाएंगे। चलिए सर टूडू कमाल का ड्रिबलर, कमाल का गेम चेंजर, अभी भी गेंद अपने कब्जे में रखा, काफी डिले किया यहाँ पर 3-1 के मुकाबले बुधे सतुडू ने गेंद को रोका होल्ड करके और नतीजा कोई फायदा नहीं बना पाया बुधे सतुडू ने। फर्स्ट टाइम गेंद को रिलीज कर लेते तो सोने से सुहागा हो सकता था। गेंद को होल्ड करेंगे आपके लिए दिक्कत हो जाती है क्योंकि ओपोनेंट टीम मजबूत टीम है, आप मुझे मारे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। चलिए मैच का अगर समय सीमा की अगर बात की जाए लगभग हम अंतिम कगार पर आज आ रहे हैं। धीरे धीरे टीमें प्रेशर बढ़ते जा रही है, शिमाल क्लब और इस की टीमें प्रेशर बढ़ते जा रही है। मैं इनको जानकारी बता दूं दबाव में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप एक अच्छे खिलाड़ी है, टीममेट भी काम कर रहे हैं और इसे भी यहाँ अंशु मुंडा होंगे वहां आप सोचिए मत। चलिए यहाँ पर देखना होगा अंशु मुंडा को अंदरूनी चोट लगी है, देखना होगा कितना अंदरूनी चोट लगी है। चलिए ध्यान देंगे हमारे मेडिकल स्टाफ, ये फोर्थ मेडिकल मेडिकल स्टाफ है, आप लोग ध्यान देंगे। चलिए खेल जल्द भी हो जाती है लेकिन आप लोग रिकमेंड नहीं करेंगे, आप लोग अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे लय पर चल रही है आपकी टीम। अभय मुंडा एक अच्छे लय पर चल रहा, ओम मुंडा एक अच्छे लय पर चल रही है, बिंडी किसान टीम के स्टार खिलाड़ी, चंद्र मुर्मू एक पूरी तरह से स्टार खिलाड़ी एक अच्छे लय पर चल रही है, साथ ही साथ टीम के कप्तान फिरोज खान एक स्टार खिलाड़ी टीम के सेंटर बैक स्टॉपर के रूप में या टीम के कप्तान के रूप में नजर आ रहे हैं एक अच्छे खिलाड़ी। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये जो इस्माइल क्लब और हिस्सा की टीम बहुत ही कमाल का खेल को खेली अभी तक, ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो कम उम्र के खिलाड़ी इस टीम में ज्यादा से ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका जो खेलने का जो तकनीक स्टेमिना तजुर्बा इनका जो है बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है। यानी कैसा लग रहा है कि दर्शकों के मुंह में आ की आवाज भी आ रही है, मैं आपको बता दूं और इस टीम में कई सारे सपोर्टर्स मौजूद है, लेकिन कई सारे सपोर्टर्स नाखूस है, चेहरे में खुशियां हैं लेकिन कई सारे चेहरे में नाखूस और मायूसी नजर आ रही है। क्या अंतिम तकदीर और तस्वीर, क्या टीम भी बराबरी पर आ पाएगी, ये है राजाराम हांसदा, बहुत ही हल्के फेर वाले खिलाड़ी है राजाराम हांसदा। चलिए यहाँ पर गेंद के साथ गांधी, गांधी ने फिर से बुद्धेश्वर ने यहाँ पर राजा राम का इस्तेमाल किया, क्या यहाँ पर लॉफ्टर लॉबली की का इस्तेमाल किया जा सकता है राजा राम, बिल्कुल वाह, ये होती लंबे कटे गोलकीपर का एडवांटेज। आपको हर एक एक इंच के लिए आपको तरसना पड़ेगा लेकिन खड़े खड़े हर किकों का सामना करने में अंशु मुंडा का हाथ है। चलिए यहाँ पर टीम की कप्तान ये पिंटू हो रहा हूं
शिले गेंद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश जरूर किया था यहाँ पर बिन्नी किसान ने। शिले आखिरी वक्त पर बड़ा खिला रन सामने बुद्धेश्वर होंगे बुद्धेश्वर इसमें क्या स्कोर और क्या काउंटर बन सकती है। काउंटर बनेगी जरूर लेकिन इससे पहले अंशु मुंडा ओ ऐसा कहीं सोचोगे तो बोला जाए एकदम सोचोगे तो ठीक है ठीक बोले। चलिए देखना होगा यहाँ पर एक खिलाड़ी जीत चुके हैं साथ देखना होगा कितना गहरा चोट लगा है। पहले मैच रेफरी का डायरेक्शन को देखेंगे मैच रेफरी क्या कुछ कॉल कर रहे हैं। चलिए दिनेश पूरी तरह से फिट नजर आता हुआ फिर एक बार बिन्नी के साथ बिन्नी के लिए मौका। बिन्नी ने यहाँ पर पिंटू का इस्तेमाल किया मैं पहले कह चुका हूँ कि खिलाड़ियों के लिए तीन नहीं पांच पांच बेसिक बुनियादी चीज है किकिंग रनिंग रिसीविंग हेडिंग और ड्रिबलिंग ये पांच बेसिक और बुनियादी चीज जब तक इसे आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। पहनने से आपको खिलाड़ी का दर्जा नहीं दिया जाता है आपको अगर खिलाड़ी का असली दर्जा चाहिए तो ज्यादा ज्यादा आपको। चलिए दिनेश के कमरे में क्या क्रॉस लिया जा सकता था लेकिन कोई फायदा नहीं दिनेश काफी हड़बड़ी नहीं होती साइकोलॉजिकल ये हड़बड़ी नहीं है ये मुरुदी का नहीं दबाव है मन में डर है क्योंकि हमारी टीम बहुत मजबूत है। चलिए यहाँ पर फिर से गांधी चंद्रमोहन हाजदा अभी भी चंद्रमोहन के कब्जे में गेंद क्या गांधी यहाँ किक कर लेंगे चलिए कोई फायदा नहीं बना अभी भी समय है यहाँ पर इस्माइल क्लब ओडिशा के लिए खोने को कुछ नहीं है पाने को बहुत कुछ है खोने को कुछ नहीं है पाने को बहुत कुछ है लेकिन इस्माइल क्लब ओडिशा की टीम को थोड़ा सा बेहतर तालमेल फिलहाल थोड़ा बहुत समय बची है। अक्सर कहा जाता है कि तारों में चांद अकेला जगमगाता है मुश्किल घड़ी में इंसान जगमगाता है। अक्सर कहा जाता है कि तारों में चांद अकेला जगमगाता है मुश्किल घड़ी में इंसान जगमगाता है। संघर्ष से मत घबराना मेरे दोस्त क्योंकि कांटे मेरे राह में गुलाब अकेला मुस्कुराता है। तो आज अगर देखा जाए तो आपको गुलाब को पूरी तरह से रखना होगा आपको क्योंकि कांटे भरे राह में रहकर गुलाब जब अकेला मुस्कुरा सकता है लेकिन आपके पास तो पूरा टीम मौजूद है पूरा का पूरा टीम मौजूद है आपके पास और जब टीम एक साथ मौजूद हो जाती है तो उस टीम के टीममेट के साथ अपने टीम को आप किसी भी तरह से आप उन्हें परा सकते हैं या बड़ी से बड़ी मंजिल का या बड़ी से बड़ी इमारत का हासिल कर सकते हैं लेकिन आपको तालमेल भर खेल को करना होगा। और इसका बार बार प्रयास तो कर रही है एड़ी चोटी एक कर चुका है मैदानी गोल बराबरी का गोल दागने के लिए लेकिन एमएमसी शंकरपुर पूरी तरह से फॉर्म पर ये है टीम के कप्तान छोटू हाजदा काफी गति भरा खिलाड़ी। चलिए यहाँ पर राजा राम का इस्तेमाल हुआ है ओ मुझे तो लग रहा है स्कोर एमएमसी शंकरपुर के खिलाफ में हुई है क्योंकि प्रेशर तो मुझे इतना ज्यादा दिख रहा है एमएमसी शंकरपुर के पक्ष में शायद घर का प्रेशर कुकर में भी इतना प्रेशर नहीं होता है इतना प्रेशर मुझे एमएमसी शंकरपुर के खेमे में दिख रहा है और हमें प्रेशर कुकर में पहले नूना प्रेशर बांधूंगा नूना प्रेशर में लोग एमएमसी शंकरपुर पाता था। चलिए चंद्र मुर्मू टीम के स्टार खिलाड़ी संजीव गेंद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे फिर से संजीव अभी भी संजीव के कब्जे में गेंद क्या यहाँ से और यहाँ पर छोटा सा गेंद जरूर छोटा था यहाँ पर लेकिन असफल इतने ज्यादा चौकन्न हो चुका है मैम शंकरपुर की टीम और समझ चुके हैं ज्यादा ज्यादा बिन्नी बिन्नी का इस बार कोई जादू नहीं चल रहा है क्योंकि मैम शंकरपुर ने समझ चुका है यही वो टीका है यही वो बारूद है फटेगी तो हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है लेकिन उन्हें पूरी तरह से अंडर मार्किंग और नतीजा अभी तक यही भी बिन्नी को नहीं दिया गया है और दिया भी जा रहा है तो बिन्नी किसी भी तरह से जादू खेल को चलो होल्ड किया और बिन्नी फाउल को जीता। मैं जानकर बता दू फाउल जीतने का भी कला होती है बहुत सारे खिलाड़ी को नहीं पता कि फाउल किस तरह से जीता जाता है और कौन सा एरिया में ज्यादा ज्यादा फाउल जीतने का मकसद रहता है जीतना चाहिए
आप मैदान को मिड जोन में फाउल जीतेंगे कोई फायदा नहीं होगा। गोल एरिया के इर्द गिर्द अगर फाउल जीतने का काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम को बेनिफिशियल मिलेगी। इसलिए फाउल जीतने का प्लेस होती है, फाउल जीतने कला तो है लेकिन फाउल जीतने का प्लेस होती है, जोन होती है, उस जन को आपको खंगालना होगा, जानना होगा। नहीं जानेंगे फाउल जीतेंगे कोई फायदा नहीं बनेगा। चले चंद्र मुर्मू मजा आ गया पहाड़ के नीचे, मुझे ऐसा लग रहा पहाड़ी ऊंट के नीचे था लेकिन ऊंट और पहाड़ के नीचे आ चुका। कहां था खेल का तस्वीर और तकदीर क्या हुआ। चंद्रा मुर्मू नाम आप नोट डाउन कर लीजिए वरना नाम भूल जाएंगे। ये नाम नहीं एक ब्रांड है, ये नाम नहीं एक ब्रांड है, मैं पहले कह चुका हूं चंद्रा मुर्मू बहुत ही कमाल का खिलाड़ी। कौन कहता है भाई हमारे इंडिया में फॉर्म चल रहा है। आप सीधे सीधे आइए जुक्ति डी के मैदान में, चंद्रा मुर्मू का फॉर्म चल रहा है, आइए देखिए मजा लीजिए। ये मैच नहीं देखा तो आपने क्या देखा। ये खासियत है जुक्ति डी का, ये खासियत है ऐतिहासिक मैदान का और ये खासियत है एसमाल क्लब ओडिशा संबलपुर का। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर कमल जी, मैं आपके जुमाने में सुनना चाहूंगा क्योंकि आपके पास एक काफी सारे शब्दों के बोझार है, नए नए शब्दों का पास है। क्या कहना चाहेंगे इस चुनावी स्कोर के मामले में, मामला गंभीर है, लोहा गरम है, मैं तो थोड़ा यहाँ पर कमल आपका स्वागत है। बिल्कुल इसका जब